नमस्ते। लॉकडाउन का समय चल रहा है, रोल्स खाए हुए बहुत काफी दिन हो गए हैं, तो चलिए आज पनीर रोल्स ट्राई करते हैं। सबसे पहले रोटी बनाने के लिए आटा, मैदा और रिफाइंड नमक लेके मैं इसे गूथ लेती हूँ। रोटी गूथ लिया है, अब ये भींगे कपड़े से इसे पूरी तरह से ढक दूंगी और आधे घंटे के लिए मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। रोल में भरने के लिए मसाले हैं अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, प्याज, हरी मिर्च, हल्दी और पनीर। इसके लिए सबसे पहले मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, फिर धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर करूंगी। कढ़ाई गर्म करके थोड़ी सी रिफाइंड डालेंगे। इसमें हरी मिर्च, प्याज, प्याज ब्राउन होने के बाद इसीलिए सारे पेस्ट को मैं डाल देती हूँ। इस पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी, पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी लेके मिला लूंगी, थोड़ी सी नमक अंदाज से, और मसाले को ब्राउन होने तक थोड़ी भूनते जाऊंगी। छोड़ने लगे हैं, अब इसमें मैं पनीर मिला दे रही हूँ। थोड़ी देर पनीर भूनने के बाद अब इसमें मैं पानी डालूंगी। अब इसमें एक कप दूध डाल रही हूँ। अब रोल के लिए हमारे चिकन रेडी हो चुका है। अब रोल के लिए रोटी तैयार है। अब इसमें मैं पनीर डालूंगी, सिजवान चटनी लगा लेती हूँ, पनीर वाले मसाले को थोड़े से लगाऊंगी डाल करके। अब इसके ऊपर प्याज डाल देती हूँ, और फिर मैंने यहाँ चिली और विनेगर और टमाटर सॉस रेडी करके रखा है, इसके ऊपर डाल लेती हूँ। ये हमारा पनीर रोल रेडी हो गया है। ये मेरा पनीर रोल तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय।